महाराष्ट्र में विभिन्न समाज को आरक्षण देने के मामले में अब बहुत बड़ा सवालिया निशान राज्य सरकार के सामने उपस्थित हो गया है। और वहीं शुक्रवार को चंद्रपुर में ओबीसी महापंचायत ली गई। इस महापंचायत में क्या निर्णय लिया गया, आइए देखते हैं इस खबर में। शुक्रवार को सरदार पटेल महाविद्यालय के पास स्थित आईएमए हॉल में ओबीसी महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ओबीसी बांधव शामिल हुए। गौरतलब है, इस समय राज्य में मराठा समाज को आरक्षण देने का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और इसको लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा मराठा समाज को कुर्बी प्रमाण पत्र दिए जाने की हलचल शुरू होने पर इसका परिणाम ओबीसी जाति संगठना पर पड़ेगा और इसी संदर्भ में आगे की रणनीति के लिए यह महापंचायत बुलाई गई। तो सुनिए इस महापंचायत के संबंध में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने मीडिया को विस्तार पूर्वक क्या जानकारी दी। अच्छा, या महापंचायती मध्ये सर्व ओबीसी संवर्गाचे लोक समाविष्ट झालेले आहेत आणि मुख्य आमच्या या महापंचायती मधले तीन अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे आहेत। पहिला मुद्दा आहे की जातनिहाय जनगणना ओबीसींची केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आपल्या स्तरावर करावी। दुसरा मुद्दा आहे की आता जे सरसकट मराठ्यांचं आरक्षण देणे, ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याचं कार्य सुरू झालं आहे, अशी जी भीती ओबीसी समुदायामध्ये आहे, सरसकट मराठ्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण देऊ नये ही प्रमुख मागणी याच्यामध्ये सुरू आहे। त्याचबरोबर तिसरी मागणी आहे की राज्यभरात जे ओबीसींचे मुला मुलींचे हॉस्टेल सुरू करण्याबाबतचा माननीय समाज कल्याण मंत्री सावे साहेब यांनी जे म्हटलं होतं की 15 ऑगस्टपर्यंत ओबीसींचे हॉस्टेल्स मुला मुलींचे सुरू करू, अजूनपर्यंत सुरू न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे, त्यामुळे तत्काळ ते हॉस्टेल्स सुरू करावे ही प्रमुख मागणी घेऊन या महापंचायतीमध्ये चर्चा होऊन झाली आहे। आणि त्यामध्ये असं ठरलं की 17 सप्टेंबरपासून मोर्चा काढणार, 12 तारखेपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जे विद्यार्थी विंग आहे ते अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात करणार। या मागण्यांसाठी सर्वकाश अशा निर्णय होऊन तो राज्य सरकारपर्यंत पोहोचावा ही आमची अपेक्षा आहे। धन्यवाद।